आज हमारे वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर है, हिस्ट्री बुक का है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट देखिएगा, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। और फायदा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन देखिए, जनवरी 1915, अप्रैल 1919, मार्च 1920 और डी है मार्च 1915। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जनवरी 1915। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1918 से 1919, 1920 से 1919, 1913 से 1918 और ऑप्शन डी है 1900। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्लू महामारी फैल गई थी, फ्लू महामारी कब फैली थी बताइए। ऑप्शन ए है 1920 से 1921, 1913, 1918, 1930। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा सही, 1920 से 1921 के बीच महामारी फैला हुआ था, इसमें लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मौत हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, किसका विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? ये पिछले 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँच है, मार्शल लॉ लागू किया गया था, मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? ठीक है, तो 1920, 1918, 1913, 1919 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, 13 अप्रैल 1919 को एक दुखद घटना घटी थी, बता सकते हैं कौन सी घटना है इसमें? ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट, चोरी चोरा कांड, जालियावाला बाग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जालियावाला बाग कांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, मार्च 1919 बम्बई या बी है अप्रैल 1920 कलकत्ता या सी है 1922 में या डी है नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, मार्च 1919 बम्बई। ठीक है, यहाँ पर खलीफा की तत्कालीन जो है ये ऑटोमन तुर्की के सम्राट को खलीफा माना जाता है, ठीक ना, जो कि विश्व का आध्यात्मिक नेता था। ठीक है, विश्व का आध्यात्मिक नेता था, इस्लामी नेता था। चलिए आठ है, हिंद स्वराज जो 1919 में हुआ था, पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बता सकते हो, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और नॉन ऑफ दीज। तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका तो ऑप्शन पता चल गया, एट का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 से 9 है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बताइए कौन है, जनवरी 1921, फरवरी 1920, दिसंबर 1919 या नॉन ऑफ दीज। तो बता सकते हैं कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसने अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था वो क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है बाबा रामचंद्र, सी है गांधी जी और डी है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, बाबा रामचंद्र। 11 है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1919, 1918, 1930 और 1922 बता सकते हैं? तो चोरी चोरा कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही, 1922 में। क्या आप ये बता सकते हैं चोरी चोरा कांड स्थान किस राज्य में है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है, हम इतना बता सकते हैं कि जहाँ पर हुआ था जगह का नाम था गोरखपुर। ठीक है, तो आप राज्य का नाम बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? ऑप्शन देखिए, फरवरी 1922, जनवरी 1921 या मार्च 1900 या नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए है 1929, 1918, 1928 और 1930। तो साइमन कमीशन हमारा जो भारत पहुंचा था वो 1928 में पहुंचा था। ठीक है, जो भारतीय क्रांतिकारी लोग थे वो एक नारा लगाए थे, वो हमें ज़रूर बताएगा। ठीक है, कौन से नारा लगा करके उन्हें वापस जाने के लिए बोल रहे थे।
14 है हमारा दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यह अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के देखिएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है कलकत्ता, नागपुर, लाहौर और नन ऑफ दीज। तो बता सकते हैं कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, लाहौर। और ये जो ये कलकत्ता हुआ था, यहाँ भी हुआ था, लेकिन ये सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। और डी है ये दिसंबर 1900, इसमें भी ये सितंबर में हुआ था 1920, और ये दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन ए है 1922, 1930, 1928 और 1925, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 1930। क्वेश्चन 16 है गांधी जी ने इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए है अप्रैल 1930, दिसंबर 1931, मार्च 5 मार्च 1931 या डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से सी सही ऑप्शन हो जाएगा, मार्च 5 मार्च 1931। 17 है दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन ए है अप्रैल 1930, दिसंबर 1931 या फिर 5 मार्च 1931 या डी है नन ऑफ दीज। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, दिसंबर 1931। क्वेश्चन नंबर 18 अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सितंबर 1932, बी है 1930, 1928 और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सितंबर 1932। 19 है क्वेश्चन नंबर 19 है वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा, तो वंदे मातरम गीत लिखा गया था 1870 में, और इसका आप नाम जान रहे हैं कि नाम था बंकिम चंद चटर्जी, या फिर उपाध्याय भी इनको कहते हैं, ठीक है, वही वंदे मातरम गीत लिखे थे, और कब लिखे थे 1870 ईस्वी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है, बंकिम चंद चटर्जी, गांधी जी, अम्बेडकर या नन ऑफ दीज। तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद चटर्जी, यही आनंद मठ के उपन्यास के लेखक थे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।